हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कुल पांच सवाल फार्मास्यूटिकल जुरिस्प्रूडेंस इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। अभी हम आज देखेंगे इसके आंसर्स। तो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन क्या था? 91 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस तरह से था। वन ऑफ द एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ द पीसीआई इज, पीसीआई के एक्स ऑफिशियल मेंबर्स में से नीचे दिए हुए चार ऑप्शन में से कोई एक है, उसको आपको चूज करना है। और डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, गवर्नमेंट एनालिस्ट, रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल, और चौथा ऑप्शन था डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो बिल्कुल आपके गेसेस। तो इसका जवाब कुछ इस तरह से है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ये एक्स ऑफिशियल मेंबर है, बाकी एक्स ऑफिशियल मेंबर्स पीसीआई के नहीं है, उनकी उनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 कुछ इस तरह से था, द शेड्यूल इन डी एंड सी एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट दैट डील्स विद द रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू ड्रग, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू ड्रग क्या रहेगा? द शेड्यूल इन डी एंड सी एक्ट। ओके, तो क्या है ऑप्शंस? कुछ इस तरह से थे, ऑप्शन ए शेड्यूल ओ, ऑप्शन बी शेड्यूल एम, ऑप्शन सी शेड्यूल पी, और ऑप्शन डी शेड्यूल वाई। तो शेड्यूल वाई के अंदर यानी ऑप्शन डी जो है उसके अंदर पूरे गाइडलाइंस दिए, क्लिनिकल ट्रायल्स, इम्पोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू ड्रग्स से रिलेटेड। नेक्स्ट 93, और कैंसलेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस द लोन लाइसेंसेस, अगर मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस कैंसिल होता है तो लोन लाइसेंस का क्या होता है? ऑप्शन ए कैंसिल होता है, ऑप्शन बी सस्पेंड होता है, ऑप्शन सी टेम्पररी सस्पेंड होता है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज क्या होता है? तो वो भी कैंसिल होता है क्योंकि मार्केटिंग वालों का जो है कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द मैन्युफैक्चरिंग। लोन लाइसेंसिंग में मैन्युफैक्चरिंग कैंसिल मतलब आप मार्केटिंग भी नहीं कर सकते, उसका भी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस या लोन लाइसेंस भी कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, द पर्सन इन चार्ज ऑफ स्टेट ड्रग लेबोरेटरी इज, द पर्सन इन चार्ज ऑफ स्टेट ड्रग लेबोरेटरी इज क्या, कौन है? तो ऑप्शन ए ड्रग कंट्रोलर, ऑप्शन बी असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर, ऑप्शन सी सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर, और ऑप्शन डी गवर्नमेंट एनालिस्ट। तो स्टेट ड्रग लेबोरेटरी का इंचार्ज कौन होता है? डेफिनेटली गवर्नमेंट एनालिस्ट होता है। ओके, द लास्ट क्वेश्चन जो था उसका कुछ इस तरह से था, बायोलॉजिकल्स आर टेस्टेड, बायोलॉजिकल्स कहाँ का टेस्ट होते हैं? सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कुल चार जगह पर है, वैसे तो छः जगहों पर है बट चार जगहों पर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और कसौली, और रीजनल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी गुवाहाटी और चंडीगढ़ को है। तो हमें जो ऑप्शंस कुछ इस तरह से, ए मुंबई, बी कोलकाता, सी चेन्नई और डी कसौली। तो इन चारों में से बायोलॉजिकल्स कौन सी लैब में टेस्ट होते हैं? तो वो होते हैं कसौली, सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी कसौली, या सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी ऐसे जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पर चेक होते हैं। तो होप आप सभी का जो स्टडी है काम आया होगा, करेक्ट आंसर सबको मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।